प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट हो रही है, वहीं मौत का आंकड़ा भी कम हो रहा है। जिले में अब सक्रिय मरीजों की संख्या भी 250 से नीचे है, पॉजिटिविटी रेट भी लगातार कम हो रहा है, जबकि रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। वाराणसी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यहां 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि 42 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी है, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। हालांकि खुशी की बात ये है कि यहां कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। अब जिले में कुल 213 मरीज सक्रिय हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वाराणसी में लगातार घट रहे मरीजों के बीच भी प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है। यहां वैक्सीनेशन और टेस्टिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। जगह जगह कैंप लगाकर ये अभियान चलाया जा रहा है।